हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे कैंडिड मैथ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम तक पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो दोस्तों, यह है क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चंस हम दे चुके हैं और इसके आप हम उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। यह है क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, गिवन दैट इन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कॉस वाले फैक्टर को इसको। तो सपोज कॉस एक्स इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट इसको हम रिप्लेस करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ये होगा। नेक्स्ट है, सो देयरफॉर I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब को कॉस एक्स को क्या ले लिए हैं, t, तो हो जाएगा t क्यूब और डी एक्स के प्लेस में डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अब वन साइन एक्स और वन साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब डी टी और माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो सिंस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम वन माइनस कॉस एक्स के प्लेस में टी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो आ इंटीग्रेशन माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर के प्लेस में क्या हो जाएगी, ये वन माइनस टी स्क्वायर और ये क्या हुआ, टी क्यूब डी टी। तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनली तो टी क्यूब इसमें तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब और ये टी रेज टू पावर फाइव डी टी। तो आई इक्वल टू माइनस टी क्यूब है तो टू फोर अपॉन फोर माइनस टी सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। तो दोस्तों, इसके आगे हम क्या करेंगे, टी के प्लेस में कॉस एक्स को सपोज किए थे तो यहां हम कॉस एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस फोर एक्स है तो कॉस फोर एक्स अपॉन ये पावर में है और अपॉन फोर माइनस कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो आई इक्वल टू कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों,
ये क्वेश्चंस 3 नंबर के लिए बड़े आराम से आ सकते हैं, एमपी बोर्ड, आईसीएसई और एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो चुका है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 6 भी इसके पहले एक क्वेश्चन दे चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक उसी तरह से है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसके बाद सिंस आई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 cos² xy2 dx। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो I इक्वल टू 10² x/2 dx। और यहां लिखेंगे कि सिंस 1 minus cos x equal to 2 sin square xy2 and 1 plus cos x equal to 2 cos square xy2। इन दोनों फार्मूलों के अंडर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 10² को हम क्या लिखेंगे, sec² xy2 minus 1 dx। और इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो ये डिस्टिंक्ट पार्ट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec² xy2 dx minus 1 dx। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 10 xy2 upon 1 by 2 xy2 से 1 by 2, और ये माइनस एक्स प्लस सी बिकॉज sec² ax dx इक्वल टू ये हो जाएगा 10 ax upon a। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 10 xy2 minus x plus c, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हम और आगे लगाएंगे, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं, इसलिए आप कमेंट में ये ना कहें कि आप क्वेश्चन को छोड़ के बता रहे हैं। 1 plus cos x dx, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहां पर कुछ ऐसा नहीं पार्ट, तो क्या करेंगे हम इसके साथ न्यूमरेटर में 1 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x और 1 प्लस cos x dx। यहां लिखेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर, देन I इक्वल टू 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x dx माइनस 1 upon 1 plus cos x dx। तो ये हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो I इक्वल टू 1 dx minus 1 upon 1 plus cos x equal to 2 cos square x by 2 होगा और ये हो जाएगा dx। इसको लिख सकते हैं 1 dx minus 1 by 2
और sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स। इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस वन बाई टू टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। आज की वीडियो में इतना ही है और बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पर जरूर डालेंगे दोस्तों। थैंक्स।